गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू AVM ई ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आवर रनिंग टॉपिक इज द चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ द NCERT पैटर्न, मैटर इन ओवर सराउंडिंग। ये हमारा चैप्टर रनिंग चल रहा था, हम लोगों ने अब तक इस चैप्टर को ऑलमोस्ट पूरा करने की कोशिश की है। कुछ रिमेन्स रह गए चैप्टर में पार्ट्स, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया वो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है। आई राइट ऑन टू द साइड ऑफ द कॉर्नर ऑल द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द चैप्टर, विच आर द कंटेंट, विच आर एसेंशियल फॉर ओवर लर्निंग, एसेंशियल फॉर ओवर स्टडिंग, विच आई मैंशन ऑन टू द साइड ऑफ द कॉर्नर ऑफ द बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ मैटर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मैटर, वॉट इज अ मैटर, एवरीथिंग विच इज फाउंड इन ओवर सराउंडिंग इज कॉल्ड अ मैटर, ओके, विच कैन बी क्रिएट सम वॉल्यूम, हैव सम मास, एंड ऑल्सो कैन बी फील बाय ओवर सेंस ऑर्गन एंड कवर अ स्पेस ऑल्सो। तो टेबल, चेयर, वाटर, एयर, एवरीथिंग इन द नेचर इज कॉल्ड अ मैटर, ओके, इट इज अ क्लियर। मैटर एंड मटेरियल आर डिफरेंस, स्पेसिफिक मैटर बिकम द मटेरियल, स्पेसिफिक मैटर बिकम द मटेरियल, ओके, एज वी नो वेरी वेल। देन आफ्टर वी हैव गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ द मैटर, वॉट आर द ओल्ड कंसेप्ट ऑफ द मैटर, ओल्ड कंसेप्ट बिलोंग टू द मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ द फाइव बेसिक एलिमेंट, वॉट आर दिस फाइव बेसिक एलिमेंट, एयर, वॉटर, फायर, अर्थ, देन स्काई, दीज आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। वॉट आर द न्यू कंसेप्ट, दिस ओल्ड कंसेप्ट इज द कैंसल आउट एंड डिस्कार्डेड, देन द न्यू कंसेप्ट इज द फॉलो बाय इन द साइंस, द अकॉर्डिंग टू द न्यू कंसेप्ट द मैटर इज द मेड अप ऑफ बाय टू द टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, वन ऑफ द सॉरी टू प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन द टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देन इज सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी इट मीन्स लुक लाइक एज द अपीयरेंस, केमिकल प्रॉपर्टी इज द बेस्ड ऑन टू द केमिकल कंपोजिशंस, हाउ द मैटर इज द मेड अप ऑफ, विच आर द इनग्रेडियंट, विच कंपोनेंट आर द मैन्युफैक्चरिंग दिस द पर्टिकुलर मैटर, सो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग इन द एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर लाइक दैट। सो वी हैव डिस्कस इन टू द नेक्स्ट चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज, वॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, आई एक्सप्लेन द नंबर्स ऑफ द एक्टिविटीज, लाइटिंग ऑफ द स्टिक्स, इंसेंस स्टिक्स, मोर अनदर एक्टिविटीज विच आई परफॉर्म्ड ऑलरेडी। सो फिजिकल प्रॉपर्टी इट मीन्स यू कैन से डेट इन द नेचर द पार्टिकल्स, द मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर द वेरी टाइनी विच कैनॉट बी सी विद द नेकेड आइज, सो वी हैव द यूज दिस पार्टिकल्स कॉल्ड बी एज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ओके। एवरी मैटर इन द नेचर विच इज फाउंड इन टू एग्जिस्ट इन टू द सॉलिड फॉर्म, इन टू फाउंड इन टू द लिक्विड फॉर्म, इन टू फाउंड इन टू द गैस फॉर्म, ऑल दिस पार्टिकल्स आर द फाउंड इन टू द मेड अप बाय टू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एंड दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड बी टू द एटम्स, एटम्स कंबाइन टूगेदर दे फॉर्म द मॉलिक्यूल्स, ओके। दिस पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग इन टू द स्पेस एरिया बिकॉज दे हैव अ कवर स्पेस, सो दे आर द कंटिन्यूसली मूविंग, दे आर अट्रैक्ट टू इच अदर, ओके। सो दे वैन देर आर मिक्सिंग, वन पार्टिकल्स आर द मिक्सिंग टू द अनदर पार्टिकल, सपोज द चौक विच आई राइट ऑन टू द बोर्ड, इट इज अनदर मैटर, बोर्ड इज अनदर मैटर, हाउ डज द चौक राइटिंग ऑन टू द हेल्पिंग द राइटिंग ऑन टू द बोर्ड एंड यू कैन सी द लेटर्स, दिस इट मीन्स दे आर इंटरमिक्स टू इच अदर, इंटरमिक्स मीन्स sometimes you see the very smells and the fragrance are the dispersed into the air, how it is the possible, because the gas particles are the covering into the air and covering into the liquid also, so they are the intermixing, this process is called diffusion, which I have already understood in the previous lectures, so not a big problem. Intermixing, interchanging of the states of the matter, we have the discussed intermixing, it means look onto the board students, if you have note down, so please pause the video and note down, otherwise you download the video and write down into the, when you see into the offline mode, okay. Interchanging the states of the matter, how it is the possible, interchanging ka matlab kya ho gaya bachcho, ki matter ki jo states hai aap logo ko solid mein dikh rahi hai, liquid mein dikh rahi hai aur gas mein dikh rahi hai, ye interchange kaise hogi, solid se liquid, liquid se gas mein kaise aayega, hai na, to solid to liquid बाय द गिविंग ऑफ टेम्परेचर, आप लोग टेम्परेचर दोगे इसको, तो टेम्परेचर जैसे ही राइज होगा, सॉलिड के जो ये पार्टिकल जो थे, ये जो क्लोजली पैक थे, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा टाइटली था और स्पेस बहुत कम था, ये पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम था, टाइटली पैक थे, तो जैसे इनको टेम्परेचर मिलेगा, आप इनको हीट करोगे, जैसे हीटिंग करोगे, इनके बॉन्ड टूटेंगे,
इनके जो वॉन्डर बॉल्स बने हुए हैं, इनके जो वीक बॉन्ड बने हुए हैं, वो टूटना शुरू हो जाएंगे। हालांकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है अट्रैक्शन का, तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे, देन दे बिकम कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड। अब देखो, सॉलिड से लिक्विड में आना, इसको क्या बोला जाता है, इन पार्टिकल्स का फ्यूजन हो रहा है ना बच्चों। तो पार्टिकल्स को हीट किया, जैसे इनको हीट किया, देखो जैसे इनको हीट किया, ये पार्टिकल मोशन में आ गए, और जैसे ये मोशन में आए, ये दूर दूर हो गए, ये देखो ये दूर दूर हो गए। यानी इन पार्टिकल्स में क्या आ रहा था, इन पार्टिकल में मोशन आ रहा था, मोशन मतलब ये मूवमेंट करने लग गए। यानी इनमें कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। मोशन करने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, अगर स्थिर रहती है तो पोटेंशियल एनर्जी, और जब मोशन करने लग जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी। तो आप लोग देखो बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, रिलेशन बन गया अपन का, है ना। तो जैसे ही ये सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, इट मीन्स इनका क्या हो रहा है, इट मीन्स इनका हो रहा है फ्यूजन। क्या हो रहा है, फ्यूजन। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, द सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट एंड इट मीन्स इट इज द फ्यूज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। सॉलिड अगर मेल्ट होकर लिक्विड में आ जाता है, उसको बोला जाता है फ्यूजन। अब फ्यूजन से ही रिलेटेड होता है एक और टर्म, मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुना, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, लिक्विड स्टेट, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये इसका क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। अगर सपोज करो कि मैंने सॉलिड के फॉर्म में, यहाँ सॉलिड के फॉर्म में आइस लिया हुआ है, आइस, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आइस सॉलिड में था, आइस को टेम्परेचर दोगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स टूटेंगे, और ये किस में आ जाएगा, वाटर में आ जाएगा। वाटर किस फॉर्म में था, लिक्विड में, है ना। तो यहाँ से सॉलिड से ये लिक्विड में जब आया, आइस से वाटर में जब आया, तो आपने इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में होता है। अब देखो सेल्सियस में अपन लोग क्यों नहीं मेजर करते हैं, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। जनरली अपन लोग सेल्सियस बहुत कम यूज़ में लेते हैं, क्यों, क्योंकि सेल्सियस एक कहते हैं ना कि एक मैटर के लिए, नॉन लिविंग चीज़ों के लिए पॉसिबल नहीं है, नॉन लिविंग, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में और प्लस में दोनों में हो सकती है ना। तो ये आप लोगों को प्लस में भी बता सकता है, माइनस में बता सकता है, जबकि हमको हमेशा रिजल्ट किस में लाना है, पॉजिटिव में लाना है। सो देन शुड बी अ कन्वर्ट इनटू अ केल्विन स्केल, आप लोगों को इसको केल्विन में लाना पड़ेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना हो जाता है, वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 273.15। कई कई बुकों में अगर 16 लिखा हो जाए, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, 273 आप लोगों को याद रखना है, राउंड फिगर 273 केल्विन में, और केल्विन हमेशा रिजल्ट किस में देता है बच्चों, पॉजिटिव में, तो इसलिए इसको ज़्यादा आप लोग वैलिड मानते हैं। ओके, क्लियर, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये तो चीज़ यहाँ पर हो गई है ना, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी हुई, ये आप लोगों को टेम्परेचर का इफेक्ट पता चल गया। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, अब ये लिक्विड है, सॉरी ये लिक्विड है, ये लिक्विड से गैस में आ गए, कहाँ गए, गैस में आ गए, तो गैस में टेम्परेचर और दोगे तो पार्टिकल्स और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी इनको, काइनेटिक एनर्जी जैसे ही मिलेगी, ये पार्टिकल्स और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, दे डिस्पर्स हो जाएंगे। इनके बीच में जो भी अभी अट्रैक्शन फोर्स था वो और ज़्यादा वीक हो गया, वीक इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द गैसेस पार्टिकल्स, तो गैसेस के पार्टिकल्स लिक्विड के कंपेयर में और ज़्यादा फार अवे हो जाते हैं। और यहाँ आप लोगों ने क्या दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, वेरी गुड, टेम्परेचर दे दिया, इट मीन्स अब वो, ध्यान रखना, यहाँ तो फ्यूजन हो रहा था, यहाँ तो वो फ्यूजन हो रहा था, लेकिन अब वो लिक्विड फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि वो लिक्विड पहले ही वो मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, यहाँ वो इवेपोरेट करेगा, यहाँ वो बॉयल होगा, यहाँ वो क्या होगा, बॉइलिंग होगा, यानी वो इसको, सॉरी बॉइलिंग मत लिखो, इसको वेपर लिख दो, वेपोरेशन, सॉरी इवेपोरेशन लिख दो, क्या लिख दो, इवेपोरेशन। यहाँ तो फ्यूजन होता है, यहाँ इवेपोरेशन होता है। अब ये इवेपोरेशन होगा,
बॉइलिंग अलग होता है, इवेपोरेशन अलग होता है, मैं अभी समझा दूंगा। तो ये इवेपोरेशन हुआ और इवेपोरेशन से ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, गैस में कन्वर्ट हो गया। अगेन वही टेम्परेचर दिया, काइनेटिक एनर्जी मिली, टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशन होगा पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स दूर जाएंगे, देन दे स्टार्ट कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड टू गैस फॉर्म। ये तो चीज हो गई, आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर सपोज करो कि मैं सॉलिड की वैल्यू रख दूँ फिक्स, मेरे पास में सॉलिड जो है वो 1 kg, ठीक है, और इस 1 kg सॉलिड को मुझे लिक्विड में लाना है, ठीक है ना। तो यहां मुझे ये मेरा एक पर्टिकुलर सब्सटेंस हो गया ना, मेरा अमाउंट फिक्स हो गया यहां पर, 1 kg सॉलिड है मेरे को मालूम है इतना ही है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो यहां पर मुझे एक रिक्वायर्ड हीट चाहिए, रिक्वायर्ड हीट यानी मुझे मालूम है इतनी हीट मुझे चाहिए, तो रिक्वायर्ड हीट, उस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोला जाता है जो सॉलिड से लिक्विड में लाएगा, क्या बोलेंगे, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द हीट नीड टू अ 1 kg ऑफ द सॉलिड कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ, अब कर क्या रहे, सॉलिड से लिक्विड में ला रहे, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां डेफिनेशन क्या बन गई है कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में लेकर आना, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट हो गया, फिक्स अमाउंट हो गया, रिक्वायर हीट इतनी ही चाहिए, इतना ही अमाउंट चाहिए। अब आपको सपोज करो आपको 1 रोटी की भूख है, तो आप क्या 10 रोटी खाओगे क्या, नहीं, 1 रोटी तो खाओगे। तो सेम वैसा ही होता है, अगर 1 kg सॉलिड है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी क्यों देनी, ज़्यादा हीट क्यों देनी, आपको रिक्वायर्ड अमाउंट में हीट दे दी, वो सॉलिड से लिक्विड में आ गया, सिंपल है, ईजी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। गुनगुन घबराएगी तो देखेंगे, है ना, लेकिन अभी कोई घबराना नहीं है। अच्छा, ये तो फ्यूजन की बात हो गई साहब, अब जरा इसको ले लो, अगर मैं इसको 1 kg लिक्विड ले लेता हूँ, है 1 kg लिक्विड ले लेता हूँ, और उसको मुझे इस लिक्विड को किस में लाना है, गैस में लाना है, वेपर में लाना है, अब क्या करूँगा मैं, मेरे पास में ये भी अमाउंट फिक्स हो गया भैया, यानी मुझे यहाँ पर भी रिक्वायर्ड हीट चाहिए, रिक्वायर्ड हीट। अब ये रिक्वायर्ड हीट जो होगी वो क्या करेगा, 1 kg लिक्विड को गैस में लेकर आएगा, 1 kg लिक्विड। अब किलोग्राम इसके लिए बेटर नहीं है, आप लोग 1 liter बोल देना, लेकिन जनरली 1 kg में लिखा जाता है, मास है ना, तो उसको 1 kg में लिखा जाएगा। तो 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट किया किस में, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द हीट कन्वर्ट इनटू अ गैस, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ, अब आप क्या कर रहे हो, देखो यहाँ फ्यूजन हो रहा था तो लेटेंट हीट फ्यूजन के लिए हो गई, अब लिक्विड से गैस में तो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, या आप लोग बोल दो वेपोराइजेशन। क्या इतनी सी चीज समझ में नहीं आई, क्या शक्तिमान बनना पड़ेगा क्या, है समझ में नहीं आई, चलो बहुत है, समझ में आ गया। अब एक और मजे की बात बताता हूँ आप लोगों को, एक और मजे की बात बताता हूँ। अभी तक अपन लोगों ने कौन सा प्रोसेस किया, सामने वाला सीधा सीधा, ये रिएक्शन जो है वो एक डायरेक्शन में जा रही है, सीधे सीधे डायरेक्शन में जा रही है ना, सीधे सीधे डायरेक्शन में। अब जरा इसको उल्टा लाओ, तो रिवर्स करो, इसको रिवर्स करो, इसको उल्टा लाओ, गैस को लिक्विड में लाओ, तो गैस को लिक्विड में कैसे लेकर आते हैं, तो देखो गैस को लिक्विड में लेकर आएंगे, आप प्रेशर अप्लाई करो, प्रेशर, आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है बच्चों। प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप लोग इस पार्टिकल के ऊपर प्रेशर लगा रहे हो, 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 ये पार्टिकल्स पर प्रेशर लग रहे हैं, और प्रेशर लगेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, आप गाल के ऊपर प्रेशर लगाओगे, ये देखो गाल मेरा फूला हुआ है, अगर मैं प्रेस करूंगा तो क्या होगा, गाल पिचक जाएंगे ना, तो सेम वो भी पास में आ जाएंगे, सारे पास में आ गए। सो अप्लाई द प्रेशर, टेम्परेचर इज डाउन, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी थी वो धीरे धीरे क्या बन रही है, स्टे होने की कोशिश कर रही है, पोटेंशियल में आने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर ये पार्टिकल्स यहां आ गए, दे कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो आप लोगों ने क्या इफेक्ट किया, प्रेशर को, तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब जरा यहां पर आओ, तो इस जगह आओ, तो लिक्विड से अपन लोगों को सॉलिड में आना है, तो आप लोग क्या करोगे, मोर प्रेशर,
मोर प्रेशर, अब ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर दोगे तो ये और ज्यादा पास में आ जाएंगे, है ना। प्रेशर देने पर पास में आता है, होता ही है। मम्मी पापा एग्जाम के समय क्या करते हैं, आपको प्रेशर करते हैं। टीचर क्या करते हैं, प्रेशर, अरे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रेशर देते हैं, प्रेशर देते हैं ताकि आप लोगों का फोकस हो जाए। अब इन लोगों का फोकस हो गया, ये पास में आता है, एग्जाम क्लियर क्रैक, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब एक और मजे की बात बता देता हूँ आप लोगों को बच्चों, ये तो देखो डायरेक्शन मांग है। अब इसमें देखो, इसमें एक और सस्पेंस छुपा हुआ है। सस्पेंस क्या है, लिक्विड को सॉलिड में लाना है, प्रेशर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। उस टर्म को यहाँ पर प्रेशर का ज्यादा इंक्रीजमेंट हो जाए ना, उस टर्म को आप लोग फ्रीजिंग बोल दो। क्या बोल दो, फ्रीजिंग। क्या बोल देंगे बेटा, फ्रीजिंग बोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेशर ज्यादा हो जाता है, डेट मीन्स इट इज अ फ्रीजिंग। आपका फ्रीजर के अंदर क्या लग रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है, नहीं तो नीचे क्यों नहीं रखा। आपको आइस बनाना था, आपने फ्रीजर में क्यों डाला, आपने नीचे क्यों नहीं रखा जहां आप बोतल डालते हो, क्यों, क्योंकि वहां टेम्परेचर इतना नहीं, वहां प्रेशर इतना नहीं है। प्रेशर कहां ज्यादा है, फ्रीजर में। क्लियर हो गया मेरे बच्चों को, समझ में आ गया, समझदार बच्चे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ध्यान से सुनना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया सॉलिड टू लिक्विड में जाना हो तो सॉलिड के पार्टिकल्स को टेम्परेचर देना पड़ेगा। उनको टेम्परेचर दिया, काइनेटिक एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी मिली, पार्टिकल्स में मोशन हुआ, सॉलिड से लिक्विड में टर्न हुए, उनको बोल दिया फ्यूजन। और फ्यूजन का मतलब हो गया मेल्टिंग पॉइंट। और इस वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना था, सॉरी आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना था, इस आइस का मेल्टिंग पॉइंट था कितना था, मैंने बताया था 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सेल्सियस में अपन लोग नहीं मानते, वैलिड नहीं करते, तो अपन लोग किस में टर्न कर देते हैं, इसको केल्विन में। तो 0 डिग्री सेल्सियस को कितना केल्विन माना हुआ है, केल्विन में कितना है 273.15। कमेंट सेक्शन में लिखना है कि अपन लोग सेल्सियस को क्यों नहीं मानते हैं, केल्विन को क्यों मानते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना। मैंने आप लोगों को बता दिया था, कमेंट लिखते ही नहीं हो यार, देखते ही नहीं हो, पता नहीं क्या है, हैं, लिखा करो, पता चले हम टीचरों को भी तो पता चले हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वन साइडेड गेम हो रहा है। चलो उसके बाद में क्या होगा, देखो बेटा पढ़ो, क्यों, काफ़ी समय हो गया है हमने पढ़ाई छोड़ दिया, पढ़ो, अब टाइम है पढ़ने का, नहीं तो हाथ से सारी चीज़ें निकल जाएगी, है ना। गवर्नमेंट के कोई भरोसे नहीं है, अभी पता नहीं कब लॉकडाउन खोल दे, कब कर दे, कुछ पता नहीं है। लेकिन एटलीस्ट नॉलेज लो, नॉलेज ज्ञान जहाँ से मिलता है बटोरो, ज्ञान ऐसी चीज़ होती है जहाँ से मिल रहा है वहाँ से लो। तो देखो टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, ये समझ में आ गया आप लोगों को, मजेदार चीज थी। मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि सॉलिड का अमाउंट मैं फिक्स कर दूं, लॉक कर दूं, 1 kg कर दूं और इसको लिक्विड में लाऊं, तो यहाँ पर एक रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए हीट, उस रिक्वायर्ड अमाउंट को क्या बोल दिया, लेटेंट हीट। अब कर क्या रहा था मैं, फ्यूजन कर रहा था, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलो हो गया कंप्लीटेड, क्लियर हो गया भैया। अब जरा अपोजिट लाओ इसको, अपोजिट लाते हैं, अपोजिट क्या लाते हैं, ये देखो अपोजिट ये लाते हैं कि अगर मैं लिक्विड को रख दूं, एंड आई पुट द लिक्विड एंड कन्वर्ट इनटू अ गैस, व्हाट हैपन, आई अप्लाई द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज, द पार्टिकल्स स्टार्ट टू मूविंग, दे आर स्टार्ट टू बॉइल, वो बॉइल होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी वो बॉयल होना शुरू हो गए, बॉयल, और वो देखते देखते किस में आ गए, वेपर में आ गए, किस में आ गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ से सुनना बच्चों, यहाँ से यहाँ जाना, यानी उसको बोल दिया गया वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। अब यहाँ मैं लॉक कर दूँ, 1 kg कर दूँ। अच्छा एक चीज़ और देखना, ये लिक्विड मैंने कौन सा लिया हुआ है, वाटर, वाटर को किस में जाना है, वेपर में जाना है ना, वाटर को किस में जाना है, वेपर में जाना है। तो वाटर को वेपर में जाने के लिए कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में हुआ, केल्विन में लाओ, केल्विन में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में लाओ, तो 273.15 प्लस 100, ये तो कह रहे थे 0 डिग्री को 273 मान रहे थे, तो 100 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 373.15 केल्विन, ये हो जाएगा, बड़ा इजी है। अच्छा यहाँ देखो, अब मैंने लिक्विड का अमाउंट फिक्स कर दिया भैया, लिक्विड का अमाउंट मैंने 1 kg कर दिया। अब ये 1 kg लिक्विड को गैस में लाना है तो रिक्वायर्ड अमाउंट में हीट चाहिए, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट 1 kg लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर देगा, गैस में कन्वर्ट कर देगा,
ये इसका क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बड़ा इजी है, अगर एक बार समझ में आ गया सारी चीज समझ में आ जाएगी, है ना। नोट आउट करो इसको जल्दी से फटाफट। चलो लास्ट एक चीज और बता दूं आप लोगों को, फिर आप लोग अगले वीडियो में लेंगे। अगला क्या है देखो, इधर देखो, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अगला क्या हो जाएगा बच्चों वो भी देखो। अब जरा इधर देखो, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि चलो सॉलिड से लिक्विड में गए, लिक्विड से गैस में गए। कई बार ऐसा होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाता है विदाउट एंटरिंग इनटू द लिक्विड, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाता है विदाउट एंटरिंग इनटू द लिक्विड, वो लिक्विड में आएगा ही नहीं। ये जो वाइस वर्सा हो रहा है, वाइस वर्सा, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड। आप लोगों ने कैंपर देखा होगा, कपूर में ये होता है। अब करीना कपूर या शाहिद कपूर मत बोल देना भैया, है ना। ये कैंपर कपूर को बोला जाता है, कपूर, ठीक है ना। धूप दिया बत्ती के लिए करते हैं, हवन वगैरह के सामग्री में आता है, ठीक है ना। तो ये सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इन टू गैस, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। वो सब्लिमाइज हो गया, सब्लिमाइज बोले तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस स्टेट में देखने को मिल गया, लिक्विड में आएगा ही नहीं। अगर मैं गैस को वापस प्रेशर करूँ, यहाँ से प्रेशर लगाना शुरू करूँ, तो वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे, सॉलिड में आ जाएगा। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं फिक्स कर देता हूँ, 1 kg सॉलिड है, उसको मुझे गैस फॉर्म में लाना है डायरेक्ट, तो यहाँ पर 1 kg यानी वही रिक्वायर अमाउंट ऑफ हीट। अब यहाँ करना किसको है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में लाना है, तो यहाँ हो गया सब्लिमेशन, यानी रिक्वायर अमाउंट ऑफ हीट, इसका मतलब हो गया अमाउंट ऑफ हीट सब्लिमेशन, या आप लोग बोल दो लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसी वीक, अच्छा अगले वीक के अंदर मेरा एक पीरियड और आएगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे किसको बच्चों। ये सारा हो गया देखो। अब नेक्स्ट अपना एक टॉपिक रहा है, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। ऑलमोस्ट ये 4 chapter हो चुका है, आप लोग एक बार घर जाना, सॉरी घर पे बैठ के अच्छे से देखना, इसको ऑफलाइन में देखना है ना। चलो।